ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें, ताकि आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस अपने करियर को लेकर बना सकें। सो अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिन पे आने वाले दिनों में लगातार शोज रहेंगे। आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, प्लस टू आर्ट्स, बीए आर्ट्स, उनको कैसे कोर्सेज को ऑप्ट करना चाहिए जिसमें वो अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट देख सकते हैं, पा सकते हैं, और कैसे प्रोफाइल्स के साथ उनको प्रोसीड करना चाहिए। सो जब हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले डिपेंड करता है इनके सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आर्ट्स आपने कौन से सब्जेक्ट्स के साथ अचीव किए, दैट मैटर्स। सो इवन प्लस टू स्टूडेंट्स और अ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, अगर आपका प्लस टू इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के साथ है या मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स के साथ है, स्टैट्स के सब्जेक्ट के साथ है, तो आप बिजनेस के कोर्सेज ले सकते हैं, वो बिजनेस कोर्सेज जिसमें मैथमेटिक्स नहीं रिक्वायर्ड है। अगर मैथमेटिक्स आपने आर्ट्स में रखा था तो आप वो बिजनेस कोर्सेज भी ले सकते हो जिनमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, स्टूडेंट वो होते हैं जिन्होंने ज़्यादातर आर्ट्स साइकोलॉजी सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के साथ किए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रेलेवेंट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आपको दूसरे कोर्सेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सो आपके लिए बैचलर्स इन सोशोलॉजी साइकोलॉजी इसके बेस पे और भी कोर्सेज जो होते हैं वो मिल जाते हैं नॉर्मली, जैसे सोशल वर्कर का कोर्स होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कोर्स होता है, तो ऐसे कोर्सेज में आप प्रोसीड कर सकते हो प्लस टू के स्टूडेंट्स। मास्टर्स ग्रेजुएट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें पीजी कोर्सेज कम मिलते हैं, उतने ज़्यादा नंबर्स में अवेलेबल नहीं होते, तो कहीं ना कहीं आपको मास्टर्स कोर्स में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो कुछ जगह आपको पीजी कोर्सेज में भी जो अवेलेबिलिटी है वो मिल सकती है। तो अब जो रह गया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, कल्नरी आर्ट्स, ये कोर्सेज किने लेने हैं। अब ये कोर्सेज उन आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बचे हैं जिनके पास सब्जेक्ट्स बिल्कुल बेसिक हैं, जैसे इलेक्टिव इंग्लिश, इलेक्टिव पंजाबी, फिर उसके साथ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और कुछ ऐसे, या किसी ने होम साइंस के साथ किया हुआ है आर्ट्स का जो अपनी क्वालिफिकेशन है, जिसने बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ आर्ट्स की है, वो बच्चे कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कल्नरी आर्ट्स या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जैसे कोर्सेज को आप देख सकते हो और उनमें अपना जो वीज़ा है वो रिजल्ट सक्सेसफुली आप ले सकते हो। एकेडमिक्स की बात करें तो एक चीज़ आर्ट्स वाले बच्चे हमेशा ध्यान दें, कोशिश करें कि आपका जो गैप है वो कम से कम हो, और बेहतर यही है कि गैप ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आप में से बहुत सारे बच्चों ने जो क्वालिफिकेशन करी होती है वो बहुत हल्की होती है, मतलब उनके सब्जेक्ट्स का आगे कोई खास फ्यूचर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं फिर उसके ऊपर फिर गैप जो आप डाल लेते हो वो एक बड़ी प्रॉब्लम या समस्या आपके लिए बन जाता है। तो बेटर है आप अपने आर्ट्स के स्कोर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके टाइम से अपना स्कोर अचीव करें, ताकि आपके गैप्स ना पड़ें और आप टाइम से अपनी एप्लीकेशंस को लगा सकें। आर्ट्स का जो स्कोर है, अगर आप बिजनेस कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर रहे हो और बिजनेस कोर्सेज में ऐसे कोर्सेज ले रहे हो जिसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है, देन ट्राई टू गेट इट 6 ईच, दैट वुड बी मोर बेटर। अदरवाइज जितने भी कोर्सेज आपके हैं उसमें किसी में भी अगर आपका एक 5.5 मॉड्यूल है, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है, तो भी आप सक्सेसफुली अपना वीज़ा गेन कर सकते हो, लेकिन आपने जो एसओपी लिखना है दैट शुड बी वेरी वेल मैनेज्ड, क्योंकि जहां पर तो आपके कोर्स रेलेवेंट हैं लाइक इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, उनका तो आप एक रिलेशनशिप अपने कोर्स के साथ डेवलप कर लोगे तो उसको आप रेलेवेंट कोर्स दिखा लोगे, बट जहाँ पर ये रिलेशनशिप सिंक नहीं करती है लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ऐसी चीज़ों में, देन यू हैव यू विल शो योर प्लस टू एज ए बेसिक क्वालिफिकेशन। ऑन टॉप ऑफ दैट यू नीड टू प्रूव कि आपका इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, आपका इंटरेस्ट है कल्नरी आर्ट्स में, एंड यू वांट टू प्रोसीड योर करियर इनटू दैट, और उसकी कोई क्वालिफिकेशन प्लस टू तक नहीं करवाई जाती, इसलिए मेरे पास उसका 100% रेलेवेंसी नहीं है, बट दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वांट टू मेक माय करियर। तो इस तरह से अगर आप अपने एसओपीज को अच्छे तरीके से बनाएंगे, अच्छे कंसल्टेंट की एडवाइस से बनाएंगे, तो आप आराम से अपना वीज़ा
सिक्योर्ड कर सकते हैं। सो आगे भी इस चैनल के जरिए, इन शोज़ के जरिए अगले कुछ दिन मैं ऐसे स्पेशल प्रोफाइल्स के ऊपर कैसे कैसे आप वीज़ा गेन कर सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो सारी डिस्कस करूँगा। सो शो के साथ जुड़े रहें, और प्लस हमारे जो सेमिनार्स शुरू हो रहे हैं तो उन सेमिनार्स में भी पार्टिसिपेट करें। कल हम अमृतसर में होंगे, मैं पर्सनली अवेलेबल रहूँगा अमृतसर में। सो जितने भी बच्चे आके मिलना चाहते हैं, आप बिल्कुल मुझे अमृतसर हॉलीडे इन होटल अपने रंजीत एवेन्यू आके मिल सकते हैं। सेमिनार की टाइमिंग अराउंड 10 o'clock मॉर्निंग से लेके इवनिंग 3 o'clock या 4 PM तक रहेगी, डिपेंड रश के हिसाब से। और इसके फर्स्ट सेक्शन को ज़रूर अटेंड करें सेमिनार के, बिकॉज फर्स्ट सेक्शन ही मेन सेक्शन होता है। उसमें हम हर चीज़ को लेके, कनाडा के प्रेजेंट वीज़ा के स्टेटस को लेके, PPR को लेके, ट्रैवल के सिनारियोस को लेके, फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेके, इवन फॉर UK US हर चीज़ के एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। आप वहाँ पर ब्रॉडवे की टीम के साथ साथ कुछ कॉलेज रैप्स को भी मिल सकेंगे। सो यू आर मोस्ट वेलकम। और कल अमृतसर मिलते हैं, परसों जलंधर। बाकी डेट्स आप सेमिनार्स की नोट कर सकते हैं, बाकी दोस्तों की सिटीज़ में भी वन बाय वन हम पहुँचेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो कैसे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, अ सिंपल 3 steps। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।